हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने इंटेंट बनाना सीख लिया था। ऑलमोस्ट हमने 80% इंटेंट में जो चीजें होती है उसको हम कवर कर चुके थे, और हमने रिलेट भी कर लिया था कि अलेक्सा में भी सेम इसी तरीके से ये काम होता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एक इसमें डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है, एक फोन के लिए अलग है, फेसबुक के लिए अलग है, गूगल असिस्टेंट के लिए अलग है, तो होपफुली आप ये अभी तक आपने रियलाइज कर लिया होगा कि ये अलग अलग रिस्पॉन्सेज क्यों है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने नहीं भी किया तो मैं बता भी देता हूँ, क्योंकि जब आप फेसबुक पे, यार अपने मोबाइल वोबाइल साइलेंट कर दो, यहाँ तवज्जो कर लो, किसका मोबाइल है ये, बंद कर दो। क्योंकि जब आप फेसबुक पे बात करते हैं किसी बंदे से, तो वहां पे बंदा आपको फोटो भी भेज सकता है, वॉइस मैसेज भी भेज सकता है ना, कोई फाइल अटैचमेंट भी भेज सकता है। अच्छा, तो ये डिफॉल्ट में यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट अवेलेबल है, सिर्फ टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं इसके में। ठीक है। टेक्स्ट के अलावा कस्टम पेलोड है इसके में। कस्टम पेलोड का मतलब है कोई जेसन वगैरह टाइप की चीज, यानी टेक्स्ट के अलावा कुछ। अच्छा, तो फेसबुक पे तकरीबन 5 या 6 तरह के या 7 तरह के, इसको कहते हैं रिच रिस्पॉन्सेज, राइट। उसमें विजिट्स हो सकती हैं आपकी, ऐसे वो उसमें कैरेजल कार्ड होता है, एक बड़े बड़े कार्ड बने हुए, आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। उस पर किसी भी एक पे क्लिक करते हैं, सजेशन चिप्स आती हैं। ठीक है। सजेशन चिप उसमें अवेलेबल है। तो इसी तरीके से ये जितने भी प्लेटफॉर्म है सबकी सजेशन चिप्स यानी रिच रिस्पॉन्सेज जो है वो अलग अलग है, राइट। तो इन्होंने वन क्लिक इंटीग्रेशन पे यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है। हम इसको यूज इस वजह से नहीं करते, डायलॉग फ्लो वाले तो बोलेंगे करो यूज, ठीक है, लेकिन आप यूज करेंगे उसको तो आप फंस जाएंगे। वो फंस इस वजह से जाएंगे आप कि जब इन्होंने खरीदा था ना इसको, API.AI को, डायलॉग फ्लो बाद में उसका नाम किया, पहले ये API.AI के नाम से था, और ये किसी और लोगों ने बनाया था, गूगल ने इसको बाद में परचेज किया, खरीदा। तो उस वक्त जो है ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था, इस प्लेटफॉर्म में एक बटन आता था कि डिप्लॉय ऑन हरिको, ठीक है, बटन आता था, तो ये पूरा चैटबॉट आपका उठ के हरिको में डिप्लॉय हो जाता था, आपको पे करने की जरूरत नहीं होती थी उनको ना, पूरा आपका हरिको में डिप्लॉय हो जाता था और वहां पे सारी चीजें चल रही होती। अच्छा, फिर ये जो रिस्पॉन्सेज है ना ये वाले, ये भी वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे फेसबुक ने कुछ नए रिस्पॉन्सेज ऐड कर दिए, वो इन्होंने ऐड नहीं किए अपने पास। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो ये टाइम पे अगर अपडेट नहीं करते अपनी अंदर से API को, तो आपका उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, आप फंस जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। ठीक है। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो यहाँ से डायरेक्टली आप नहीं देंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली नहीं देते, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आप सर्वर के थ्रू दे रहे होते हैं, जैसे कि अलेक्सा में इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अलेक्सा का डिजाइन जो है ना वो इनसे बेहतर है, फीचर उसमें कम है, उन्होंने लिमिटेड किया हुआ है, लेकिन उनका जो डिजाइन है वो इनसे बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो ये बाई डिजाइन ना ये इन्होंने गलत किया है, इनको यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने थोड़ा शशके के चक्कर में रख दिया है कि बच्चे देखें खुश हो जाए, यानी पहली दफा कोई आया ना तो वो खुश हो जाए देख के कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, इसमें आप जितने भी रिस्पॉन्सेज लिखेंगे ये बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है। अगर गूगल असिस्टेंट से किसी ने रिक्वेस्ट की है तो उसको ये रिस्पॉन्स बिल्कुल सही मिलेगा, क्योंकि गूगल असिस्टेंट अपना है इनका। फेसबुक से भी करेंगे तो वो भी सही मिलेगा, लेकिन फेसबुक के अंदर अगर आप आके चेक करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 4 देंगे और 5वां इसने कस्टम पेलोड दे दिया है। हालांकि फेसबुक के अंदर तकरीबन 17 के करीब ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं या उससे भी ज्यादा है बल्कि, जो आप इसमें लगा सकते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट विजिट, लॉगिन विजिट, काफी कुछ है उसके अंदर जो आप लगा सकते हैं। ठीक है। वो फेसबुक की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, वो जाहिर है सारा कुछ हम नहीं कवर करेंगे, लेकिन ये आपको मैं रेफरेंस बता दूंगा कि यार वो किस तरह से होता है, तो पेलोड आप पूरा वहां से उठा के लगा सकते हैं। तो इन्होंने ये शशके के लिए किया, और ये खुद आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म ही कर देंगे, ऑफकोर्स जो अभी नया वाला है उसके अंदर इन्होंने इसको नहीं रखा, खत्म कर दिया, ये हम यूज नहीं करते। ठीक है। ये सिर्फ उस केस में काम का होगा जो आपने अभी बनाया, वेदर ऐप हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स जिसमें आप दे रहे हैं उसमें ये सिर्फ काम आएगा, तो इसको आपने यूज कोशिश करना है कि इसको ना यूज करें आप। अच्छा, तो अलेक्सा में इसी वजह से आपने देखा ये चीज रखी नहीं है उन्होंने, डायरेक्ट रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकते आप, आपका रिक्वेस्ट हमेशा कोड में जाती है और कोड से रिस्पॉन्स आता है। अच्छा क्यों? मिसाल के तौर पर मैंने अभी एक रेस्टोरेंट की ऐप बनाई, उसमें जब बंदा हाय बोलता है तो एक वेलकम मैसेज आता है। अब आप कहेंगे यार वो वेलकम मैसेज तो वो तो फिक्स होना चाहिए। ठीक है। क्लाइंट ने कहा नहीं, वेलकम मैसेज जब आए तो उसको अगर मॉर्निंग हो तो उसको गुड मॉर्निंग बोले और उसको वो हलवा पूरी के शशके दिखाए, और अगर आफ्टरनून हो तो उसको गुड आफ्टरनून बोले, तो
तो अब वेलकम मैसेज तो फिर मुझे सर्वर से भेजना पड़ेगा ना, तो अब सर्वर पे मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मैं उसमें चेक करता है कि दुबई में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। अगर मॉर्निंग का टाइम है, उनका एक टाइमिंग है, रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग होती है कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक नाश्ता होता है, तो अगर 9 से 12 के दरमियान का टाइम है तो उसको कहूंगा मैं गुड मॉर्निंग और कहूंगा कि यार यू कैन ऑर्डर हलवा पूरी और जो भी नाश्ते के आइटम है वो दिखाऊंगा उसको। अगर उसके बाद का टाइम है तो मैं अकॉर्डिंगली फिर उसको अलग रिप्लाई करूंगा। तो हाय का जो इंटेंट है ना, जो वेलकम इंटेंट है, वो भी आपको कोड से ही रिस्पॉन्स करना है, हार्ड कोडेड वो भी नहीं होगा। हार्ड कोडेड होने का मतलब तो यह ना कि आप फिर मशीन से सर मार रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं सारे, तो मशीन से सर मार रहे हैं तो फिर तो चैटबॉट और एआई का क्या बेनिफिट होगा। तो इस वजह से हमेशा आपका कोड से रिस्पॉन्स आना होगा। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब इस इंटेंट के अंदर ना कुछ मजीद चीजें हैं, आज हम उसको डिस्कवर करते हैं, ठीक है, चला के नहीं देखेंगे हम, जस्ट डिस्कवर कर लेते हैं कि वो करती क्या है। अच्छा, एक है भाई साहब कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इनपुट कॉन्टेक्स्ट और आउटपुट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है अंग्रेजी में, कौन बताएगा अंग्रेजी में कॉन्टेक्स्ट किस चीज को कहते हैं? लिस्ट नहीं, ये कॉन्टेंट नहीं है, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट। हाँ भाई बताओ, करो करो गूगल से देखो कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है। बॉडी नहीं, सयाब को सबाब, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? बात तो सही बोली लेकिन समझ में किसी को आया? सयाब को सबाब का मतलब क्या है? उर्दू में इसका यही मतलब होता है, सही कह रहे हो, ख्याल तो नहीं है। कंडीशन भी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब गूगल से देखा अभी नहीं भाई, क्या कर रहे हो तुम, गूगल बंद कराओगे तुम तो यार। नहीं नहीं ऐसे कैसे कह सकता है गूगल यार, मैं भी देखता हूँ यार, पता नहीं शायद मैं ही गलत समझ के बैठा हूँ। खुल क्यों नहीं रहा भाई, इंटरनेट ठंडा हो गया बिल्कुल।